बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल. आज होने वाला है एक बड़ा मजेदार और एक्साइटिंग और एडवेंचरस व्लॉग, क्योंकि मेरी कजन की शादी पहले 27 जान को थी और अब बहुत ज्यादा प्रीपोन हो गई है 7 जान के लिए. एंड मम्मी मेरे को पता है हंसा रही है सामने नाच नाच के. ये शादी कम और एडवेंचर ज्यादा, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है. टुडे इज 2nd जान. हाय बोल दो. हाय. तो अभिषेक और मम्मी और मैं, हम तीनों जा रहे हैं लाजपत नगर मेरी बहुत ही लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए, या फिर मैं सोच रही हूँ लहंगा रेंट आउट कर लूँ. वहाँ पे है 2-3 ऐसे रेंट की शोरूम्स एंड शॉप्स वगैरह. तो अभी जाऊंगी मैं, फटाफट से देखती हूँ कि रेंट करूंगी या फिर खरीदूंगी, बिकॉज बहुत ज्यादा लास्ट मोमेंट है. अगर कुछ दूँ भी सिलने के लिए तो भी स्टिच होके नहीं आ पाएगा. सोचो आज 2nd जाना है और 7th को शादी है और 6th को निकलना है यहाँ से, क्योंकि शादी मेरठ में है, दिल्ली में नहीं है. क्योंकि दिल्ली में जस्ट 20 लोगों की गैदरिंग है, तो इसलिए यहाँ नहीं कर रहे. जहाँ से मेरी कजन के हस्बैंड बिलोंग करते हैं वहां से हम शादी कर रहे हैं. अभिषेक, तुमने हाय नहीं बोला मेरे दोस्त को. हाय गाइस, कैसे हो आप? ये है मेरी मम्मी. वेलकम बैक टू माय चैनल. मास्कुपर मास्कुपर. ओह सॉरी. मम्मी ने मेरा स्वेटर पहना हुआ है गाइस. मम्मी ने आज कल काफी वेट लूज कर लिया है. है कोई लूज नहीं किया, नजर लगा दी. नजर लगा के कुछ नहीं किया, बस वही है कि थोड़ा सा लड़की बनने की कोशिश कर रही हूं. लड़की हो रहा है. बहन बहन बहन. गाइज, हम लोग आ चुके हैं. ये लालजीज कोई मम्मी की फ्रेंड की फ्रेंड की शॉप है. मम्मी की फ्रेंड की फ्रेंड. तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे रेंट आउट कर सकते हो आप लहंगा से नॉल शादी वगैरह के लिए. सो गाइज, यहाँ पे आ गए हैं हम. एंड ये शिवानी लहंगे देख रही है अपनी. ये लग रहा है शिवानी पे बड़ा बढ़िया. अभी क्लिप्स क्लिप्स लगी हुई है, देखो कितनी सारी. देखो ध्यान से देखिए. और ये दुल्हन को फोटो भेजने की तैयारी चल रही है. गाइस, मेरे को तो ये पहला लहंगा इतना अच्छा लगा ना, सिंपल सोबर बेस्ट. अच्छा, हील भी पहनेगी? मेरे बस चले तो मैं जुत्ती पहन लूं, मैं हील पहनूं ही ना, मुझसे नहीं चला जाता हील में. आंटी आप भी लो यार कोई लहंगा बढ़िया सा. मैं तो लूंगी शिवानी की शादी में. अच्छा, ब्राइडल ही पहनना. मम्मी तुम मेरे साथ लहंगा, मैं ये वाला लहंगा पहन लेना तुम. अच्छा, मेरे साथ लहंगा पहनूंगी. नहीं गाइस, मैंने शेरवानी ले ली. नहीं, क्या बोल रहा हूं. अरे, मैंने लहंगा फाइनलाइज कर लिया. एंड ये जो शॉप है ना लालजीज, ये भी वही है ना? हाँ, इनके मतलब काफी ऐसे 3-4 स्टोर्स एक साथ हैं. एंड रेंट वाला रेट स्टार्ट्स फ्रॉम 3000. तो 3000 अप टू आई थिंक 25000 मैंने सुना था किसी वीडियो में, है ना? अभी मैंने पूछना, मैं भूल गई. सो किसी भी लाइक ओकेशन के हिसाब से यू कैन रेंट योर आउटफिट्स फ्रॉम हियर. वी आर जस्ट चेकिंग आउट सम ज्वेलरी. ये एक लेन है लाजपत नगर में, सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं. हाँ यार, लग तो बढ़िया रहा है पहनने पे तो. बताओ कैसा लग रहा है? नाइस. बताओ. ये अच्छा चोकर नहीं है, ऐसे टाइप का सही लग रहा है. गलत नहीं बोला, इसका भी सही है. छोटा सा, मैं बड़ा देखना. ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, सच बता रहा हूँ. सिंपल सोबर छोटू. तू क्यों बना रही है यार? कोई ज्वेलरी समझ ही नहीं आ रही है. आई जस्ट हैव लहंगे की फोटो और उसके अकॉर्डिंग कुछ समझ नहीं आ पा रहा है यार. क्या ज्वेलरी मत पहनी हो, क्या हो गया? जरूर. गाइस ध्यान से देखिए इस चेहरे को. गाइस, दुल्हन दुल्हन हमको मिल गई है. दुल्हन मिल गई है. शादी है. और ये रही मेरी शादीशुदा कजन जिसका व्लॉग बना चुकी है, जिसका शादी का व्लॉग लास्ट ईयर बनाया था. डन विद द शॉपिंग. फाइनली मैंने अपना नेकलेस ले लिया है जो मुझे चाहिए. एंड यू आर ब्लॉकिंग द लाइट्स, थोड़े इधर आ जाओ. वो वहीं चला गया. और हम लोगों ने तो पहले आके खा लिया था. अभिषेक के व्लॉग में ही दिखाया भी होगा हमने क्या खाया. अब मम्मी की बारी है. तो मैंने आपको दिखाया था ना, दुल्हन मिल गई थी. तो बेसिकली वो जो बुआ है और वो दोनों ना यहीं पे अपनी शॉपिंग के लिए घूम रहे थे, तो मम्मी ने उनको थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लिया था, इसलिए मम्मी नहीं खा पाई थी तब. और अब मम्मी खा रही है यहाँ के अवंतिका फूड कॉर्नर के चिली पोटैटोज. आर माई ऑल टाइम फेवरेट, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड हाँ, मुझे आना है 5th को अपना लहंगा कलेक्ट करने. सो मैं घर आ चुकी हूँ गाइज. दिस इज वॉट आई हैव पिक्ड फॉर माई ज्वेलरी. कुंदन का सेट विद इयर रिंग्स एंड दिस मांग टीका. और मैंने इंडिया से ना ये प्री स्टिच साड़ी ली थी. एक्चुअली ये साड़ी मैंने इशिता की
वो वाले वेडिंग गेस्ट लुक बुक में देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने मंगवा ली है ये इंडिया से, तो ये भी आज ही आई है. एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग द साड़ी एंड दिस ज्वेलरी इज वेल, बट दिस इज नॉट माई मेन वेडिंग आउटफिट, वो तो ऑब्वियसली लहंगा ही होगा. सो या साड़ी इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस. और मैं जल्दी से चेंज करती हूँ एंड आपसे जब आगे की प्रेप्स करूंगी तब मिलूंगी. Hi guys, I'm checking in after 2 days and आज मेरी नेल अपॉइंटमेंट है क्योंकि नेल्स काफी ज्यादा लाइक यू नो आगे आ चुके हैं. तो जहाँ से मैंने लास्ट टाइम नेल्स करवाए थे ना गाइज, मैं वहीं आ गई हूँ. दिस इज कॉल्ड द नेल अफेयर एंड अभी तो और 10 दिन चल जाते बहुत आराम से. मैंने 3 दिसंबर को करवाए थे, तो क्योंकि शादी है ना तो मैं जो आउटफिट्स पहनूंगी उसमें गोल्ड एलिमेंट तो हो गए, तो आई एम थिंकिंग टू गेट लाइक समथिंग ग्लिटरी यू नो, मतलब कि थोड़ा ऐसा गोल्डन ग्लिटर टाइप का. तो मेरी अपॉइंटमेंट है 2:15 की, ऑलरेडी हो चुका है 2:15, तो अभी मैं जल्दी से अंदर चलती हूँ एंड आई एम गोना गेट माई नेल्स डन. हाय सर, ये वही सर है जिन्होंने लास्ट टाइम करे थे मेरे नेल्स एंड काफ़ी अच्छे चले, अभी भी चल जाएंगे, पर क्योंकि शादी है घर में इसलिए मुझे कुछ न्यू चाहिए था. You liking it? Obviously I love. Actually पता है क्या है, शादी है ना तो थोड़ा ग्लिटरी कुछ I was planning to do. मैंने तो डिजाइन बताया था कोई. Oh please. मतलब नॉट वेरी चटक मटन बट थोड़ा सटल ग्लिटरी बट क्लासी. अभिषेक ने मुझे ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे. I told him that I'm at the nail salon, so he came. Guys, मैं नेल्स करवा के ना घर चली गई थी बिकॉज ठंड हो गई है तो मुझे अपनी जैकेट कैरी करनी थी. तो अभी हम लोग सिटी वॉक में है मैं और अभिषेक एंड दिस इज वॉट माई नेल्स लुक लाइक. मतलब दे आर वेरी प्रिटी. Look at his nails and look at my nails. 2022 New Year का कुछ था. 22 customers. First 22 customers को they will give a gift. So they have given me this gift. जिन्होंने मेरे nails करे हैं वो मुझे पहले ही बता चुके हैं, इसमें beautical oil है. Oh. हाँ. Very cute, very nice gesture actually. Not. Very cute, cuticle oil. Wow. So अभी हम लोग just city walk में हैं. We are just gonna eat something because हम लोग बहुत hungry हैं. कुछ नहीं खाया क्योंकि सामान लेने में इतना बिजी थे और फिर मानू को छोड़ के मैं डायरेक्ट यहाँ आ गया. क्वांटिटी इज मतलब क्योंकि ना यूजुअली कैफेज में क्वांटिटी इज वेरी लेस, मतलब एक डिश एक बंदा ही खा पाता है, बट आई थिंक अगर हम बर्गर ना मंगाते ना इसमें हमारा पेट भर जाता है ना. But the food is nice. We are trying Smokehouse daily. Daily or Delhi? Daily. Few moments later. So guys, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है. अभी मैं शार लेके आई हूँ. Actually घर आके ना मैंने मम्मी से वैक्सिंग वगैरह करवा ली थी because कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलना है. कल मेहंदी फंक्शन है एंड फिर परसों हमको मेरिट के लिए निकलना है एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे शादी है. सो बेसिकली आज का ही टाइम था मेरे पास यू नो अपना पैम्पर ग्लो अप सेशन वगैरह करने का जो भी है. सो वैक्सिंग इज डन. अभी मम्मी की फेस शेविंग करनी है, उसके बाद मैं अपनी फेस शेविंग करूंगी. इट्स गोइंग टू बी द सेकंड टाइम कि मैं फेस शेव करूंगी, बट आई थिंक इट इज pretty much needed. Hi guys, I'm gonna do my mom's shaving now, okay? I'm gonna use some aloe vera gel. So sorry for that fake accent. कौन सा अभी करने हैं? खुजली हो रही है थोड़ी सी तो कर लिया. ठंडा ठंडा aloe. Oh, cool cool. फेस मास्क ऑन माई लिप्स. ओके लेट्स इग्नोर दैट फॉर अ वाइल. सो फेस शेविंग डन. मैं काफ़ी धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मम्मी सो चुकी हैं, उनका भी मैं शेव करके फेस पैक वगैरह लगा दिया था. मैंने अपनी शेविंग कर ली थी, अब मैं फेस पैक लगा के बैठी हूँ. मैंने ग्रीन टी वाला लगाया हुआ है प्लम का बिकॉज सूद करना है मुझे अपनी स्किन को, ठीक है. और अभी मैं जल्दी से अपना लाइक लैपटॉप मैंने खोला हुआ है, तो अभी मैं जल्दी से बैठ के अपना जो मेरी कल वीडियो जाएगी ना लाइव उसका थंबनेल बनाना है एंड अपलोड करनी है वो वीडियो. और कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, इतना सा भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आज सारा लाइक एकदम यू नो स्केड्यूल वगैरह पे लगा के सो जाऊंगी एंड कल से फिर एक फ्रेश व्लॉग भी स्टार्ट करूंगी.
तो हाँ, मैं ये ब्लॉग यहीं पे अभी ख़त्म करती हूँ. आई रियली होप यू गाइज इन्जॉयड वॉचिंग दिस वेडिंग प्रिपरेशन ब्लॉग. मुझे काफ़ी मज़ा आया, यू नो, मतलब थोड़ा सा लाइक हेक्टिक तो हो जाता है यार जब शादी भी हो घर में, एंड देन साथ के साथ यू हैव टू मैनेज योर चैनल इज वेल, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द अपलोड्स. ट्रस्ट मी, गेट सुपर हेक्टिक, बट ठीक है, आई एम गोना मैनेज ऑब्वियसली बिकॉज वर्क इज प्रायोरिटी. सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है देन प्लीज़ मेक श्योर यू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. Stay tuned for the wedding vlogs. कल से क्योंकि function start हो रहे हैं, तो you know I'm gonna start a fresh vlog. So yeah, stay tuned for that. In case you guys would like to connect with me on my Instagram, I'm gonna leave my Instagram profile link in the description box below for you guys. And yes, I'm gonna see you in my next video. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye bye.